जो बढ़ाए थे, बढ़ाने के बाद शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए बहुत से काम किए, अध्यापकों को भी ठीक भर्ती उसकी वहां हो करके शिक्षा अच्छी मिले, अध्यापकों की जो कमी है उसको हम पूरा कर रहे हैं, चाहे वो भर्ती के नाते चाहे एचकेआरएन के नाते। नए प्रकार के स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल, ये भी हम नए शुरू किए हैं। अगर कुछ गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं तो उनकी चिराग योजना के अंतर्गत उनकी फीस देने की बात भी हमने शुरू की है। अभी पिछले एक वर्ष से सब स्कूलों में डुअल डेस्क की व्यवस्था और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते जो जो कमियां हैं वो सब पूरी कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य के बारे में जब विचार करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने भी एक योजना जो आयुष्मान भारत तय की थी, जिसके अंतर्गत हर परिवार का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा ये किया गया। बहुत से लाभ उसका लोग उठा रहे थे, लेकिन उस संख्या को बढ़ाया गया है चिरायु योजना के नाम से, और ये संख्या 29 लाख परिवार अर्थात 1.25 करोड़ आबादी उसको ये लाभ पूरा मिलेगा। हर ऐसे नागरिक का पहले फेज में 1.80 तक, दूसरे फेज में उससे आगे भी बढ़ेंगे, उनका एक प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये करने की योजना भी बनी है, जिसमें लगभग अभी तक 1 लाख लोगों का और स्वास्थ्य परीक्षण हो चुका है। क्योंकि ये बड़ा काम है, इसके सेंटर्स हमको बढ़ाने पड़ेंगे, साल भर तक ये लगातार चलेगा तो ये 1.80 तक की आबादी, इसको सबको हम स्वास्थ्य परीक्षण इसका करा सकते।